तो पब्लिक, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पबजी मोबाइल के लैग को कैसे कम्प्लीटली फिक्स कर सकते हो। अब ये जो लैग वाली प्रॉब्लम है ना, वो मेरे साथ भी आ रही थी यहाँ पर जब से पबजी का ये ज़ॉम्बी वाला नया अपडेट है, वब से मेरा गेम बहुत ही ज्यादा अटक रहा है। एंड यहाँ पर मैं रैंक पुश भी इस सीजन जो है वो कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आप जाके देखें तो यहाँ पे जो रैंक पुशिंग है यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैंने गेम लूप को न्यू इंस्टॉल करा अब तो मेरे मैचेस बिल्कुल सही जा रहे थे, लेकिन जैसे ही गेम लूप को मैंने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करा उसके बाद मेरा गेम बहुत ही ज्यादा अटक अटक के चल रहा था। एंड यहाँ पे देखें मुझे प्लेटिनियम पर माइनस पड़ा है, इतना स्टटर हो रहा था। इवेंट पे तो भाई जाया नहीं जा रहा था, जो ज़ॉम्बी मोड वाला इवेंट है ना उस पे तो जाया नहीं जा रहा था। एंड अरेंगल तो पूछो ही मत भाई, खेला नहीं जा रहा था। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने अरेंगल के ये देखे मैचेस भी खेले हैं, एक भी चिकन डिनर नहीं है मेरा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखें आप। उसके बाद मैंने थक हार के लिविक लगाया, अब मैंने ये ऊपर अगर आप देखे तो मेरे सारे ही तकरीबन चिकन डिनर गए हैं। ये देखें ये मैंने कैसे किए, कौन सी ट्रिक लगाई जिससे मेरा लैग फिक्स हो गया, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रिक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं ज्यादा सेटिंग्स के बारे में नहीं बताऊंगा, ये दो टूल्स आपने डाउनलोड करने हैं जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल होगा। मैं इंस्टॉलेशन का नहीं बताऊंगा, मुझे पता है इस सीजन भाई बहुत लोग रैंक पुश कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से आप इनको लगा के रैंक पुशिंग अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, अपने टास्क मैनेजर में जाना। टास्क मैनेजर में जाने के बाद इधर से आपने जो ऊपर वाला जो गेम लूप है वो मेरा मेन गेम लूप होता है, नीचे वाली ऐप मार्केट है इसको आपने कंप्लीटली बंद कर देना, इसकी आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आप मार्केट के इसके एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स को बंद करेंगे, उसके बाद सबसे पहले आपने ये जो पार्क कंट्रोल टूल है ये 64 बिट का कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, उसने आपने सिंपल इंस्टॉल कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे आपने बिट सम हाई परफॉर्मेंस को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। आपने पहले भी ये टूल यूज किए होंगे लेकिन मेरी वाली सेटिंग के साथ आपने यूज करने। मेरे कंप्यूटर में i5 2 Gen है ये देख सकते हैं। अच्छा ये i5 i3 i7 इतना मैटर नहीं करता, जनरेशन मैटर करती है, मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ। एंड मेक एक्टिव के ऊपर क्लिक कर देना है, पार्किंग कंट्रोल्स के ये जो ऑप्शन है ना इन सबको आपने ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद इसको अप्लाई कर दें, ये देखेंगे आपके यहाँ पे ना 2 होंगे या 3 होंगे, सारे के सारे आपके कोर्स एक्टिव हो जाएंगे। आपने पावर ऑप्शन के ऊपर टिक करना है, इधर से भी बिट्स एंड हाई परफॉर्मेंस आपका सिलेक्ट होना चाहिए। एंड देन यहाँ पर आपने इन सबको टिक कर देना, ठीक है। इसको टिक करेंगे ये ऑप्शन आएंगे आपके पास, इधर से आपने बिट्स एंड हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये सेटिंग मैंने इसकी सारी रखी हुई है, आपने ये सेटिंग रख लेनी है। और याद रखे मैं एंड पे आपको एक चीज बताऊंगा, अभी फिलहाल इसको हम कट कर देते हैं। दूसरा जो हमारा टूल है भाई बहुत ही कमाल का टूल है, इसको हम लॉन्च कर लेते हैं। जैसा कि मेरे सिस्टम में 8 GB रैम है, तो जिसमें से मैंने 4 GB रैम इधर दी हुई है। अगर आपके सिस्टम में 4 GB रैम है तो आपने 2 GB रैम देनी है, उसको हाफ करके देना है। मैं वैल्यू भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपने रखना है। अगर 16 GB रैम है तो आपने इधर 8 GB रैम देनी है। एंड यहाँ पर आपने इसको टिक कर लेना है अनेबल कस्टम टाइम रेजोल्यूशन को, एंड यहाँ पे 0.50 रखना है। ये क्या करेगा, आपके फ्रेम रेट को स्किप करेगा, जिससे कि आपकी जो रेंडरिंग मोड है वो सब कुछ इंक्रीज होगा। इस टूल के अंदर 2 चीजें फ्री है, MS अगर आपके पास, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपके पास एक बजट सेगमेंट कंप्यूटर है तो आपने ये वाला रखना है। लेकिन अगर आपके पास हैवी कंप्यूटर है, जनरेशन भी आपकी मेरे से अच्छी है, यहाँ पे रैम भी आपकी जो है 16 GB लगी है, ग्राफिक कार्ड भी आपके सिस्टम में है, तो यहाँ पर आपने 500 ही करना है, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अब यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये आपके फ्रेम रेट को स्किप करेगा, एंड यहाँ पर आपकी जो रैम है मेमोरी आपको प्रोवाइड करेगा। इन दोनों टूल्स को आपने तब ही यूज करना है जब आप गेम लू की लोबी स्क्रीन के अंदर आ जाए। ये नहीं है कि अब आपने क्रोम ही चलाना है, क्रोम के लिए भी आपने इस टूल को ओपन कर लेना, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए जब आप फर्स्ट इन टूल को स्टार्ट करेंगे तो आपका गेम बहुत ज्यादा हैंग करेगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपने वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो सिस्टम है उसके हिसाब से एडजस्ट खुद को कर लेगा। तो मैं अभी ही गोल्ड जो है इस पे कर रहा हूँ, इस आईडी पे, ठीक है। ये देखें मेरा डायमंड हो चुका है। अगर डायमंड के टाइम पे अभी भी कॉन्करर टाइप के प्लेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि सभी जो है इस टाइम पे डायमंड पे है या फिर क्राउन पर पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर जो लोबी है वो हल्की नहीं आती। अगर आपका गेम लैग करेगा तो भाई आप रैंक पुश कर ही नहीं सकते, अगर आप कॉन्करर के लिए पुश कर रहे हो। ये जो ट्रिक है ये किसी भी एमुलेटर या किसी भी गेम के लिए वर्क करेगी, अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।